सो गाइस, दिस इज कैफे एंड वाचिंग टेलन फिफ्ट चैनल। बेसिकली गाइस, इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो बजाज का ईएमआई कार्ड आता है, जो कि नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड होता है, उसको कैसे जो है हम लोग ऑनलाइन अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। देखो, बजाज का ये जो कार्ड होता है काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या कोई भी बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं, उनमें ये कार्ड अप्लीकेबल हो जाता है और आपको नो कॉस्ट ईएमआई 0% पे फाइनेंस करके आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो कार्ड काफी ज्यादा यहाँ पे आपको प्रॉफिट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इस कार्ड को जो है कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद फिर क्या क्या प्रोसीजर होता है इसका एक्टिवेशन का, सब आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझाएंगे। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि पहले से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जितने भी छोटे बड़े ऑफर अपडेट आते हैं सबसे पहले ला करके आपको वहीं देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो देखो, इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है आपका ऑफलाइन और दूसरा हो जाता है आपका ऑनलाइन। देखो, ऑफलाइन के लिए प्रोसीजर काफी सिंपल है। आप जो है किसी शॉप में जाओगे, शॉप कहने का मतलब है कि लार्ज अप्लायंस वाले जो शॉप होते हैं, जिसमें कूलर, फ्रिज, टीवी सब मिलते हैं, वो सब जो शॉप में जाओगे या कैमरा वाले शॉप में जाओगे, तो वहाँ कोई ना कोई आपका बजाज का जो है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रहता है। बस उसको आपको बोलना है कि भाई हमें बजाज का कार्ड अप्लाई करना है, आप हमें अप्लाई करके दे दो। प्रोसीजर काफी सिंपल होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड बस नहीं देना है, कोई भी इनकम प्रूफ वगैरह नहीं देना होता है आपका। सिंपली जो है वो आपका कार्ड को अप्लाई कर देगा और आपके पास जो है कार्ड अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन का सिस्टम काफी आसान है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे आप जस्ट क्लिक कर लीजिएगा तो आप बजाज फाइनेंसिप के ईएमआई कार्ड वाले वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहां पे बस आपको यहां पे कुछ फॉर्म भरना है। फॉर्म जैसे आप भर लोगे, अपने डिटेल प्रोवाइड कर दोगे, तो देन आपको यहां पे एलिजिबिलिटी बताया जाएगा कि आपको कितना का यहां पे लिमिट मिलता है। उस लिमिट के हिसाब से फिर जो है आपको यहां पे आपको जो है कार्ड में लिमिट दिया जाएगा। देन उसके बाद फिर वहां पे सारा प्रोसेस बनता है। प्रोसेस सारा हम आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे करके दिखाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलो आपके सामने यहाँ पे सारा करके दिखाते हैं। देखो, इस कार्ड को अप्लाई करने से पहले कुछ यहाँ पे हाइलाइटेड फीचर है उसको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा आपको, वेरीफाई यहाँ पे हो जाएगा, डिजिटल कार्ड मिलता है, फिजिकल कार्ड नहीं मिलता, यह चीज आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। उसके बाद देखो, प्री अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी है आपको और इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा, इजी ऑनलाइन शॉपिंग्स है, जीरो फोरक्लोजर चार्ज है, तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाता है। तो अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको एक चीज बोलना चाहेंगे, कोई भी चीज यहाँ पे फेक डालने की जरूरत नहीं है, जो आपका पैन कार्ड में जो डिटेल होगा वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, इसको आप भर के यहाँ पे जो और एरो पे क्लिक करते हैं, देन आपके पास जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालोगे, इस पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी आप जस्ट फिल कर लोगे, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। तो चलो ये प्रोसेस करके आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल के आगे बढ़ गए हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या करना होता है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे देना होगा, जो फर्स्ट नेम होगा वो डाल दीजिएगा, लास्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम भी डाल दीजिएगा, और उसके बाद करंट रेसिडेंस पिन कोड डालना है, जो आपका पिन कोड होता है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप देना है कि आप कौन से एम्प्लॉय टाइप में से बिलोंग करते हो, एक होगा सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, स्टूडेंट होगा, हाउसवाइफ होगा, रिटायर्ड होगा, जो भी यहाँ पे जेन्युइन होगा वही डालना। और मेक श्योर, ये चीज बार बार आपको बोल रहे, जो आपके पैन कार्ड में जो डिटेल है, नाम है, उसी को यहाँ पे फिलअप करना है। तो जस्ट चलिए ये वाला फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आपके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। जैसे आप उस फॉर्म को आगे भर लेंगे, उसके बाद फिर एक और फॉर्म आएगा, इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पैन नंबर आपका डालना है, उसके बाद फिर पर्सनल ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस जो होगा वो डाल दीजिएगा, उसके बाद अपना यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है। यहाँ पे दो, यहाँ पे देख रहे हो, दो टाइप का एड्रेस है, जो कि आपका यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपका पिन कोड होगा, उसके बाद रेसिडेंशियल टाइप भी डालना पड़ेगा कि आप खुद के हाउस में रहते हैं या रेंट में रहते हैं, सब आपको ये बताना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एम्प्लॉय नेम है, उसको फिलअप कर देना। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर वर्क ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना वर्क ईमेल आईडी डाल के फिर से आपको यहाँ पे आगे प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करना है। चलो ये भी करते हैं आगे, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने सारा डिटेल फिलअप कर दिया, जस्ट हम लोग आगे वाले और एरो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे कंफर्म योर डिटेल का ऑप्शन आता है, यानी कि जिसमें यहाँ पे सारा आपका डिटेल मेंशनड है। तो एक बार आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि आपने जो सारा डिटेल डाला है वो सही है कि नहीं, तो आप यहाँ पे अपना इजिली अच्छे तरीके से अपना सारा कुछ चेक कर लेना, उसके बाद फिर आगे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इसके बाद देखो, यहाँ पे बोला गया कि सॉरी, एज पर करंट पॉलिसी वी आर अनेबल टू प्रोवाइड यू अ कार्ड। तो मेरे को यहाँ पे कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, तो मेरा में भी हो सकता है कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे कार्ड नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद चलो ऑप्शंस आपको बताते हैं कि क्या क्या आएगा, क्योंकि यहीं पे वीडियो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में समझाना है कि आखिरकार इसके बाद ऑप्शंस क्या आता है। देखो, इसके बाद वो क्या करना है कि देखो, मेरे को तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया गया, अगर आपको एलिजिबल किया जाता है तो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस यही होगा कि यहाँ पे बोला जाए कि आप जो है एलिजिबल है, उसके बाद आपको
एक पेमेंट करना पड़ता है, 500 समथिंग कुछ रुपया का पेमेंट होता है। जस्ट उस पेमेंट को आप कर दीजिएगा तो उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन जो है बजाज फाइनेंसिप के पास चले जाएगा। फिर वो एप्लीकेशन आपका नियरेस्ट जो बजाज का ऑफिस होता है वहां पे चले जाएगा। उसके बाद वहां से जो बजाज के इंप्लॉय होते हैं आपके जो है ये जो एड्रेस जो आपने यहाँ पे फिलअप किया है वही एड्रेस पे आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपके पास वो बजाज के जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपके घर आएंगे। उसके बाद आपसे कोई भी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत वाला बात नहीं है, कोई की सैलरी स्लिप वगैरह देना पड़ता कुछ नहीं है। बस आपको देना होगा आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कॉपी देना होगा, बस आपको इतना ही कुछ करना है। उसके बाद जो है पेमेंट आपने तो कर दिया है, जो 500 समथिंग रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगता है जो कि इसके बाद वाला स्टेप होता है, ये आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो बस वो आपके घर में आ जाएंगे। उसके बाद जो है विद इन जो है 15-20 दिन के अंदर आपके पास जो है कार्ड जो है एक्टिवेट करके आपको दिया जाएगा। अब देखो कार्ड एक्टिवेट पहले फिजिकल फॉर्म में होता था, अब जो है इसे डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे कर दिया गया है। यानी कि अब जो है आपको कार्ड जो है फिजिकल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। अगर आप सारा क्राइटेरिया पूरा कर जाते हैं तो आपको जो है ईमेल, आपके जो है ईमेल वगैरह सब चीज में आ जाएगा, जो भी कार्ड नंबर होगा वो आएगा। लेकिन आपको बताते हैं, चलिए कार्ड जो है आपका वो कहाँ देखने को आपको मिलेगा वो आपको बताते हैं। तो देखो प्ले स्टोर में जाना है आपको। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक ऐप है बजाज फाइनेंसिंग वाला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैं दिखाना चाहूंगा, ओके। ये वाला एक ऑप्शन है बजाज फाइनेंसिंग इंस्टेंट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट ऐप। इसमें आपको जो है इंस्टॉल करना है इस ऐप को और अपने जो डिटेल है नंबर मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन कर जाना है। जैसे आप लॉग इन कर जाते हैं तो आपके पास इसी ऐप में जो है एक यहाँ पे फिजिकल कार्ड आपको दिखाया जाएगा जिसमें नंबर वगैरह सारा कुछ होगा। उसी नंबर के थ्रू फिर आप जो है उस पर शॉपिंग कर सकते हो। अब देखो इस कार्ड को एक्टिवेट करने का क्राइटेरिया बस सिंपल है। जब आपको ये फिजिकल फॉर्म में कार्ड आपको दे दिया जाएगा इस ऐप में, तो आपको सबसे पहला ट्रांजेक्शन उस कार्ड का ऑफलाइन करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए पहला ट्रांजेक्शन जो है ऑफलाइन करना है। यानी कि कोई भी ऑफलाइन आउटलेट में चले जाना, एक लोन बना लेना, छोटा सा लोन बना लेना, तो ऑफलाइन मार्केट से आप एक्टिवेट करवाओगे तो आपका जो है यहाँ पे कार्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। देन फिर दूसरा ट्रांजेक्शन जो है आप फिर ऑनलाइन वगैरह फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस पे कर सकते हो। देन आपका फिर कार्ड जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे पहला लिमिट जो मिलता है वो आपका क्रेडिट स्कोर या आपके पैन को देख करके लिमिट दिया जाता है। फिर जैसे आप फर्दर यहाँ पे स्पेंड करते जाओगे बजाज वाले कार्ड में, जैसे फर्दर स्पेंड होगा आपका टाइम टू टाइम लोन का पेमेंट हो जाएगा, देन आपको यहाँ पे लिमिट बढ़ा करके भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो लिमिट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फिर आपके पास कार्ड का वैल्यू अच्छा हो जाएगा, फिर आप अच्छा बड़ा भी शॉपिंग यहाँ पे अपने बजाज ईएमआई कार्ड से यहाँ पे कर सकते हो। तो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको शुरुआत से बता दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरा कार्ड यहाँ पे सपोर्ट नहीं हुआ, मेरा डिटेल पे कार्ड मेरे को नहीं दिया गया, नहीं तो आपके सामने लाइव करके दिखा देते हैं। लेकिन देखो मेरे पास सारा प्रोसेस पता है कैसे होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज दे दिया कि अगर सॉरी लिखने के जगह वहां पे आपको आ जाता है कि यू आर एलिजिबल फॉर द कार्ड और आपको लिमिट शो हो जाता है, देन मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया कि कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू जा करके फिर आपको कार्ड मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना अगर आपको कार्ड मिल जाता है तो या नहीं। अगर आपको ऑनलाइन में कार्ड नहीं मिल रहा है, जैसे इस प्रोसेस के थ्रू कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मेक श्योर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन में जाएं। ऑफलाइन में जाइएगा तो आप जो है अगर उनसे फेस टू फेस बात करोगे देन आपको चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि आपको बजाज का कार्ड जो है ऑन करके दिया जाएगा। क्योंकि अगर जो आप नॉर्मली उनके ऑफिस में विजिट करोगे देन वहां पे विजिट करने का बात अलग होता है, आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि भाई हमारा ऐसा सैलरी है कुछ भी दिखा देना, और इस तरीके से जो है आप उनको कन्विंस करके कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आई होप सो पूरा डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर किया बजाज के ईएमआई क्रेडिट कार्ड के ईएमआई कार्ड के बारे में। तो वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर जरूर लाइक करके जाना, और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं लोगों के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।